यस फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे सीबीपी एनालिसिस। सीबीपी क्या होता है? सीबीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मतलब वॉल्यूम के चेंज होने से कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ रहा है और प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ रहा है। फिर से सुनिए, वॉल्यूम के चेंज होने से कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ रहा है और प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी कुछ बेसिक्स समझ लीजिए। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सर? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस माइनस वी। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सो पी इज इक्वल टू सी माइनस एफ, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिक्स एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी, दैट इज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। लिख सकते हैं कि नहीं सर? लिख सकते हैं। चलो और देख लो, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए, ये पहली बात। दूसरी चीज, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम? सेल इंटू पीवी रेशियो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और सेल इज इक्वल टू भी कर सकते हैं हम कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ये डेरिवेशन है, आपने एक बेसिक फॉर्मूला अगर याद है तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बीईपी की। बीईपी क्या होता है? एट बीईपी नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है? ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है? सो एट बीईपी प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। अब प्रॉफिट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, और कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। दैट इज, ये थोड़ी बात याद रखिएगा, दैट इज वी हैव टू अर्न
so much contribution that our fixed cost is required fully. हमें इतना contribution earn करना है कि हमारी fixed cost पूरी तरह से recovered हो जाए. सही बात है. चलो अब contribution को हम ये भी लिख सकते हैं, number of unit into contribution per unit is equal to fixed cost, or number of unit is equal to क्या होगा, fixed cost upon contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit. तो number of unit किस चीज के लिए? Number of unit for break-even point. आपने पहले ये formula याद रखा होगा, अब मैंने आपको ये derivation करके बता दी. चलिए इसके आगे आ जाएं. ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे सेल वैल्यू में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट किस चीज का, ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगी सेल वैल्यू में. तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. क्यों, वी नो पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल. सो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे सेल वैल्यू में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. अब मैं बात करता हूं अगले कॉन्सेप्ट की. मैं बात करता हूं नंबर ऑफ यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. नंबर ऑफ यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और नंबर ऑफ यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. सो number of unit for desired profit is equal to fixed cost plus desired profit upon contribution per unit. ठीक है, अब similarly सेल वैल्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट.
और फिक्स कॉस्ट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल प्राइस पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो ये आ गया हमारा सेल वैल्यू फॉर जो भी हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था, उसके लिए अगर मुझे कोई सेल वैल्यू निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट में वो डीपी और ऐड कर दीजिए तो उसकी सेल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठवां कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जानते हैं क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सेल एवव ब्रेक इवन पॉइंट सेल, यानी कि टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ये हो गई आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे परसेंटेज टर्म्स में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इनटू 100। ठीक है, चलिए अब एक मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ रहा था, उसको मैं सोच रहा हूं कि इसमें लगाऊं। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? टोटल सेल इनटू पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट भी क्या होती है? ब्रेक इवन पॉइंट सेल को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। पीवी रेशियो कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा? ये टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। कुछ दिख रहा है आपको? यस, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दूसरा तरीका यह भी है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये मैंने बताया ना, क्वेश्चन को कहीं से भी कैसे भी ले लिया जा सकता है।
ठीक है। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई, और कुछ छूट रहा है क्या? एक मिनट देख लेते हैं, अगर कोई चीज छूट रही हो, ऐसे छूट तो नहीं रही होगी, फिर भी एक बार नजर लगाने करने में क्या दिक्कत है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना चाहता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ रखा है? अगर नहीं पढ़ रखा है तो समझा देता हूं। आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट तो जरूर पढ़ा होगा। सपोज करो एक ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, इसमें यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पर रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सपोज करो ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये रुपीज है, और यहां पर मैंने ले लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये इसकी क्वांटिटी है। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है। फिक्स कॉस्ट की लाइन क्या होती है? आप चाहे खर्चा करें, प्रोडक्शन करें अथवा नहीं करें, आपका आपका खर्चा तो हो नहीं है। इसके ऊपर जो लाइन जा रही है, यहां से ये वाला हिस्सा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैं ऊपर से पूरा नीचे हिस्सा लूं तो ये मेरा ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी सेल वैल्यू की है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? ये ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। तो इसके बीच में ये जो थीटा एंगल होता है, दिस एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं कहता हूं कि मैंने केस ए लेता हूं, मैंने सेल प्राइस रिड्यूस कर दी, तो केस ए की लाइन मेरी ये हुई। सेल प्राइस जैसे ही मैंने रिड्यूस की, ये मेरी रिवाइज्ड सेल आ गई ए केस की। अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल कम हो गया है। तो जब सेल प्राइस रिड्यूस करूंगा मैं, तो क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट आपका बढ़ जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कंपनी की कम हो जाएगी।
क्लियर। और सुनिए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो सेल होती है, ये आपकी सपोज कर लीजिए ये ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो सेल है वो आपकी कहलाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ठीक है, तो समरी में क्या है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, कंपनी की क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ब्रेक इवन पॉइंट कम हो रहा है, पीवी रेशियो बढ़ रहा है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी का कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट नीचे आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका बढ़ रहा है और पीवी रेशियो आपका कम हो रहा है। ये आईबीसीसी लेवल या बीकॉम लेवल पे पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट। अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये नहीं हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए जाए या कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाए। ठीक है, आई थिंक सो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट पीवी रेशियो। कंपोजिट पीवी रेशियो और ग्रुप पीवी रेशियो, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां होता है। व्हेन A company has multiple product, but fixed cost are incurred on totality basis. क्या हुआ मतलब सर, ये चीज तो हमें समझ में नहीं आई। मैंने एक अभी आपको बताया था कि सपोज करो आप हैं, आपके पास तीन प्रोडक्ट हैं। मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। तीन प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। ठीक है, इनकी सेल प्राइस सपोज करिए 10, 15, 20, वेरिएबल कॉस्ट है 6, 12, 10। एक ये क्वेश्चन है। इसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है वह 2000, 4000, 6000 और फिक्स कॉस्ट है वो है मान लीजिए 50,000। अब मैं कहता हूं फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी।
ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। आप कहेंगे सर फिक्स कॉस्ट तो मैं 50,000 पूरी कंपनी के लिए खर्च कर रहा हूं, और मैं एबीसी का अलग अलग कैसे कर सकता हूं? सही है। ऐसे ही केसेस के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कंपोजिट पीवी रेशियो। तो देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं यूनिट में निकाल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन दिस कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट एलोकेटेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन यूनिट सोल्ड रेशियो। ठीक है। दूसरा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे सेल वैल्यू में चाहिए है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो, देन दिस कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन सेल वैल्यू रेशियो। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब करें इसको सेल्फ सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो कंपोजिट पीसीबी है इसी को हम बोलते हैं ग्रुप सीपीयू। ग्रुप पीवी रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट, और इसको बोलते हैं ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट सेल वैल्यू। ठीक है, ये इनके नाम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझें। तो पहले फॉर्मूले तो पूरे हो जाएं। नाउ कंपोजिट सीपीयू इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एबीसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ एबीसी। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है C1W1 C2W2 C3W3 अपॉन W1 W2 W3 वेयर C1 इज CPU ऑफ A, C2 CPU ऑफ B,
C3 CPU of C, W1 ratio, of A, W2 ratio of unit sold of B, W3 ratio of unit sold of C. तो अगर आपको यूनिट सोल्ड का रेशियो दे रखा है और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है तो आप निकाल सकते हैं, और अदरवाइज आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं। कंपोजिट पीवी रेशियो या ग्रुप पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बी सी अपॉन टोटल सेल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की जगह ए बी एंड सी ऐसे कर दो, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होगा पी वी वन W1 प्लस PV2 W2 प्लस PV3 W3 अपॉन W1 W2 W3। सो वेयर PV1 इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए, पीवी टू इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ बी, पीवी थ्री इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ सी। डब्ल्यू वन रेशियो ऑफ सेल वैल्यू ऑफ ए, डब्ल्यू टू रेशियो ऑफ सेल वैल्यू ऑफ बी, W3 रेशियो ऑफ सेल वैल्यू ऑफ C। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट थे। अभी जब हम इनके एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है सर। चलिए,